अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं वही डॉक्यूमेंट्रीज़। आज की वीडियो इंतहाई अहम है। आज दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनके मुत्तहिद होने का दिन है। फ्रांस में जैसा कि आप सबको मालूम है कि गुस्ताखाना खाके शाया होने वाले हैं, जबकि वहां का सदर इन गुस्ताखाना खाके बनाने वालों को सपोर्ट कर रहा है, जिसके बाद दुनिया के तमाम मुसलमान ममालिक में फ़्रांस की बनी हुई चीज़ों का बायकॉट जारी है। बायकॉट के बाद फ्रांस किसी हद तक घुटनों पर आ गया है, पर यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम फ्रांस की बनी हुई तमाम प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। कम से कम यही हमारे बस में है कि हम इनके तमाम प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें ताकि वहाँ की इकोनॉमी को धचका लग सके। अब मैं आपके सामने फ्रेंच प्रोडक्ट्स की एक फहरिस्त रखता हूँ। सबसे पहले हैं लू बिस्किट्स और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अलबत्ता इस पर वजाहत आई है कि ऐसे कॉन्टिनेंटल बिस्किट पाकिस्तान के अंदर ही बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये एक फ्रेंच प्रोडक्ट है। इसके अलावा ख्वातीन के लिए ये एक ब्रांड बड़ा अहम है, लोरियल के कॉस्मेटिक्स और मुख्तलिफ परफ्यूम्स वगैरह, और इसकी दीगर कई सारी अशियाँ भी फ्रेंच ब्रांड हैं जो कि इस वक्त मार्केट में आसानी से मौजूद हैं। इसके बाद टोटल फ्यूल के जितने भी पेट्रोल पम्प्स हैं वो भी फ्रेंच ब्रांड है और इसका भी बायकॉट ज़रूरी है। आप अपनी गाड़ियों में पेट्रोल किसी भी दूसरे पेट्रोल पम्प से भरा सकते हैं। इसके अलावा परफ्यूम में शनील और लेकोस्ट है। बिग इरेजर भी इसका एक बड़ा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में बासानी मौजूद है और हम इसे रोज़ाना ख़रीदते हैं, जबकि अब इसका बायकॉट बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा गार्नियर है, जिसकी कॉस्मेटिक्स और क्रीमें वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं, जिसका बायकॉट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गार्नियर इसके अलावा भी मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है और मार्केट में भेजता है, जो हमारी ख़वातीन में आजकल बहुत ज़्यादा मकबूल है, पर इनका बायकॉट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा किरी पनीर भी फ्रांस से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद तमाम आला ब्रांड के परफ्यूम भी फ्रांस ही की तख्लीक है। परफ्यूम के मामले में फ्रांस दुनिया में सबसे आगे है और पाकिस्तान में इसके परफ्यूम बहुत ज़्यादा फरोख्त होते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये मुख्तसर सी वीडियो जिसमें आपके सामने उन चीज़ों का जिक्र किया गया है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और हमारे बच्चे, ख़वातीन और नौजवान वगैरह इसे रोज़ाना की बुनियाद पर ख़रीद रहे हैं। आगे आएँ, इन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें और सच्चे मुसलमान होने का सबूत दें। इसके साथ साथ वीडियो आगे शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल वही डॉक्यूमेंट्रीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।